केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, एक बार फिर आपने मोदी 3.0 जो सरकार है उसमें कैबिनेट में अपनी जगह बनाई है, सबसे पहले क्या कहेंगे? और उससे पहले सर, एक रिएक्शन मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कार्यभार संभाल लिया है और जो पहला फाइल उन्होंने साइन किया है उसमें उन्होंने किसान कल्याण निधि का जो फंड है उसे रिलीज किया है, क्या कहेंगे? हमारा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हम 10 साल एक कमिटमेंट के साथ काम किए हैं, एक 24/7 के जैसे प्रधानमंत्री जी मेहनत किया है, एक दिन भी छुट्टी ना लेते हुए काम किया है। आज पहली तीसरी बार प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी संभालने के बाद पहला सिग्नेचर किसानों को समर्पित करते हुए, किसानों के विकास के लिए, किसानों के वेलफेयर के लिए समर्पित करते हुए किसान सम्मान निधि का आज जो लगभग 20,000 करोड़ रुपए रिलीज करते हुए सिग्नेचर किया है। मैं भारत के किसानों के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कमिटमेंट के साथ जो किसान सम्मान निधि जो योजना शुरुआत हुआ, जब से लेके आज तक शेड्यूल के आधार पर जिस दिन पैसे पहुँचना चाहिए डिजिटल सिस्टम से देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को मैं पैसे पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी पहले भी किया है। आज इस सरकार आने के बाद किसानों का पहला फाइल समर्पित करते हुए ये कार्यक्रम किया है। बिल्कुल, क्या देख मोदी 3.0 जो तीसरी बार ये जो सरकार आई है, आप पिछली सरकार में भी थे, आपको क्या लगता है इस सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी? हम एक भारतीय जनता पार्टी हो NDO हो, एक संकल्प पत्र के नाम पर चुनाव से पहले ही जनता के बीच में हम आने वाले 5 साल में मोदी जी की सरकार में काम क्या काम करना चाहिए एक संकल्प पत्र के नाम पर देश के जनता के सामने घोषणा करके हम सत्ता में आए जनता का आशीर्वाद से। हम इस संकल्प पत्र को हमारे लिए एक भगवद गीता है, ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक कमिटमेंट है। हम इस संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए हम 24/7 काम करते हुए देश के जनता का सेवा करेंगे, देश के विकास को करेंगे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, संकल्प पत्र को 100% अमल करेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार पिछली सरकार जैसा नहीं है, ये मोदी 3.0 बैशाखी के सहारे पे टिकी हुई सरकार है, कभी भी ये सरकार गिर सकती है। ये जब इस तरह की बातें जब कही जाती है तो इस पर क्या कहेंगे आप? वो गठबंधन बोलो तो उनके जैसे समझ रहे, हमारा गठबंधन ऐसा नहीं है। उनका गठबंधन क्या है, गठबंधन में CPM रहता है, कांग्रेस रहता है, मगर एक के ऊपर एक लड़ते हैं चुनाव में। और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में रहते हैं, एक ही गठबंधन में, कांग्रेस के ऊपर ममता बनर्जी का पार्टी लड़ते हैं, ममता बनर्जी के पार्टी के ऊपर ये कांग्रेस पार्टी लड़ते हैं, CPM अलग लड़ते हैं। इसलिए उनका गठबंधन का जैसा हमारा गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन चुनाव से पहले ही देश को कमिटमेंट दिया है, उस कमिटमेंट के आधार पर आज हम देश का सेवा कर रहे हैं। जरूर हम जो देश को संकल्प पत्र जो दिया है, हम इस 5 साल में पूरा कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, कोई समझौता नहीं होगा। ये स्टेबल गवर्नमेंट है, ये एबल लीडरशिप है, विकास के दृष्टिकोण से काम करेंगे, आतंकवाद को मुक्त करने के लिए करेंगे, भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए काम करेंगे, देश में हर लोगों का सेवा करेंगे। 2047 में हमारा प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है एक विकसित भारत के लिए जो उनका लक्ष्य है उसको पहुंचाने के लिए उस 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने के लिए 140 करोड़ जनता को एकत्रित करके आगे बढ़ेंगे। जो कांग्रेस पार्टी ऐसे काब में रहना चाहिए, मैं फिर बताना चाहता हूँ इस आने वाला 5 साल में उसके बाद भी हमारा भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार फिर भी आएंगे, कांग्रेस पार्टी को अभी आज ही बता रहा हूँ मैं। एक आखिरी सवाल सर, आपने आतंकवाद का जिक्र किया, जम्मू में कल जब सरकार का इधर शपथ ग्रहण हो रहा था दिल्ली में, आतंकियों ने एक टूरिस्ट बस पे जो तीर्थयात्रियों से भरी बस पे हमला कर दिया, इस हमले को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप इस घटना को? ये बिल्कुल गलत है। हम इस संगठन में जो शहीद हो गए उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारा सरकार पाकिस्तान के विषय पर
हम 5 साल लगभग 10 साल क्या काम किया सबको मालूम है। पाकिस्तान पहले नरेंद्र मोदी जी आने से पहले भारत में हर शहर में ऐसे हरकत करते थे, हजारों लोगों को शहीद बनाया पाकिस्तान। एक एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर में लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे पाकिस्तान के कारण, वो सिविलियंस हो सिक्योरिटी फोर्सेस हो। मगर आज मैं बताना चाहता हूँ इस 5 साल में हम जीरो टॉलरेंस क्या नीति टेररिज्म के विषय अपनाते हुए पाकिस्तान को हर विषय पर हम सबक सिखाने के लिए प्रयास किया, सबक सिखाया भी। आज पाकिस्तान का स्थिति दुनिया के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने का स्थिति है। आज पाकिस्तान लगातार 3-4 साल से 5 साल से रोज प्रार्थना करता थे हर व्यक्ति, नरेंद्र मोदी जी सरकार ना आना चाहिए, बीजेपी सरकार नहीं आना चाहिए, एनडीए सरकार नहीं आना चाहिए, ऐसा हर दिन पाकिस्तान के लोग पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, कांग्रेस सरकार आए, मोदी सरकार ना हो, बीजेपी सरकार ना हो। मगर आज उनका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य साकार नहीं हुआ है, फिर मोदी सरकार आने से वो डिस्परेशन है। दुनिया के सामने बताना चाहते हैं पाकिस्तान अभी भी जिंदा है, वो जिंदा है बताने के लिए ऐसे कब कभी ऐसा हरकत करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या है, भारत का सरकार क्या है, भारत का सिक्योरिटी फोर्सेस क्या है पाकिस्तान को मालूम है। ऐसे छोटे छोटे हरकत से पाकिस्तान भारत डिमारलाइज नहीं होता है और उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को हर कदम पर हम लड़ने को तैयार है। पाकिस्तान को ऐसे हरकत बंद करना पड़ेगा। मैं पाकिस्तान से अनुरोध करता हूँ ऐसे हरकत करते आप और गरीबी पाकिस्तान में ना लाई। आज पाकिस्तान के जनता रोटी के लिए भीख मांग रहे, रोटी के लिए आपस में लड़ रहे। आज पाकिस्तान हर देश में जाकर भीख मांगने का स्थिति आया। क्यों आप ऐसे पाकिस्तान ऐसी हरकत क्यों करते, अच्छे देश की सेवा करो, देश को आपको और लोगों को खाना खिलाओ, देश में रोजगार बढ़ाओ, ऐसे करो। मगर ऐसे आतंकवाद से भारत को आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। भारत एक शक्तिशाली भारत है, मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, आज विकसित भारत के रास्ते पर आगे बढ़ने वाला है। ऐसी पाकिस्तान, एक पाकिस्तान नहीं हजारों पाकिस्तान आए तो भी भारत को कुछ नहीं उखाड़ सकते, ये बताना चाहता हूँ मैं। बहुत धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और इनका साफ तौर से कहना है कि मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और देश और तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। ब्रजनीश मनीष के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।